हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू नॉट स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम बात करते हैं पिछले वीडियो में आर्टिकल के पार्ट फर्स्ट के बारे में। ए का फुल यूज़ हमने जाना था, आज हम एन दी का फुल यूज़ सीखते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एन आर्टिकल का प्रयोग रूल नंबर एक देखते हैं। ये आपको जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, इंडिफाइनाइट आर्टिकल है। एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जो किसी वोल ए ई आई ओ यू से आरंभ हो और जिनका उच्चारण भी वोल की तरह ही होता हो। एग्जाम्पल जैसे एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एरोप्लेन। ये शब्द सीरियली देखिए ए ओ एम ए की ध्वनि से स्टार्ट होती है जो कि वोवल है। यहाँ मैन है वोवल। जिन शब्दों में एस साइलेंट होता है उनमें पहले एन का प्रयोग होता है, जैसे एन ईयर, एन ऑनेस्ट, एन ओवर, ये वोवल साउंड करते हैं। एन आर्टिकल का प्रयोग रूल नंबर सी, जब कोई शब्द एच से स्टार्ट होता हो, ध्वनि है कि हो, लेकिन शब्द के प्रथम भाग पर जोर ना हो तो मैक्सिमम टाइम एन का प्रयोग होता है, जैसे एन होटेल, एन हिस्टोरिकल नोवल। ये एक्सेप्शन की तरह है। उन कंसोनेंट से स्टार्ट होने वाले स्मॉल वर्ड्स एब्रिवेशन से पहले जिनका उच्चारण वोवल के समान हो, साथ एन का प्रयोग होता है, जैसे एन एल एल पी, एन एम ए, एन एस पी, एन एस डी ओ, लाइक दैट। द आर्टिकल का प्रयोग दे का प्रयोग उस समय करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु जिसका पहले उल्लेख हो चुका है, जैसे वक्ता, ओरेटर, परिचित हो के बारे में बात करता है, जैसे द गर्ल यू आर सीइंग इज माई डॉटर, ओके, लाइक दैट, जैसे जिसे पहले तुम देख चुके हो। पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंज, नदी, रिवर, केनाल, सागर, सी, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, डेजर्ट एटसेट्रा। प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले दे का प्रयोग होता है, ये तो आपको पहले से पता होगा। रेस्पेक्टली जैसे देख लीजिए, दे हिमालय, दे ब्रह्मपुत्र, रारवीर, एटसेट्रा, ताजमहल, लाइक दैट। पर्वत शिखरों, इंडिविजुअल पीक्स के पहले दे का प्रयोग होता है, दे का प्रयोग नहीं होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। पार्ट 3 के लिए दोस्तों कमेंट करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।